अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने पर पूजा शर्मा पर हमला। दो दिन पहले ही सदर बाजार में रहने वाली समाज सेवी संस्था की पूजा शर्मा ने सदर बाजार में अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें बीती रात में ही भुगतना पड़ा है। हद तो तब हो जाती है कि इस हंगामे के बाद सदर थाने पहुंचकर महिलाओं की शिकायत के बाद भी पुलिस अतिक्रमणकारियों की हमदर्द बनी रही। झांसी के स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन झांसी के सबसे पास इलाके में सदर पुलिस की मेहरबानी और झूठ भैया नेताओं की चमचागिरी करने वाले लोगों ने फुटपाथ से लेकर सड़क पर चलते फिरते रेस्टोरेंट लगा रखा है। शाम होते ही कचहरी से लेकर बाटा चौराहे तक फैले अतिक्रमण में सबसे ज्यादा अराजक तत्व यहां अपना जमावड़ा लगाते हैं। कई उठाईगीर दुकानदारों अपनी दुकान पर युवकों को शराब भी पिलाते हैं, जिसके वहीं शराबी यहां आने वाली युवतियों और महिलाओं पर फतिया तक कसते रहते हैं। इन्हीं सारी बातों का विरोध करते हुए आसरा सोसाइटी की तरफ से एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया था, लेकिन उसका असर बीती रात ही देखने को मिल गया। असर का मतलब यह नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस ने संज्ञान में कुछ किया हो, यहां असर देखने को मिला नकारात्मक। पूजा की इस कार्रवाई के बाद अराजक तत्वों ने असरा सोसाइटी की अध्यक्ष पूजा शर्मा के साथ ही अभद्रता कर दी। हालांकि इस घटना के बाद का कुछ वीडियो भी यहां मौजूद लोगों ने बनाया। इस घटना के बाद पूजा शर्मा सीधा सदर थाने पहुंची, जहां उनकी शिकायत पर भी पुलिस टस से मस नहीं हुई। मामला यहां तब बढ़ गया कि पूजा कुछ महिलाओं के साथ सदर थाने में धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने पूजा की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई करने में पूरी तरीके से असमर्थ नजर आई। सुनिए क्या कहना है पूजा शर्मा का। क्लोजिंग, दरअसल आपको बताते चले कि कार्रवाई न होने का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि यहाँ की पुलिस कर्मियों में कुछ वर्दी वाले गुंडे भी हैं, जो इन दुकानदारों से हफ्ता वसूल करके उन्हें बेखौफ होकर अतिक्रमण करने पर दुकान चलाने की अनुमति देते हैं, जबकि सड़क वाहनों के आवागमन पर फुटपाथ आमजन के चलते ही होता है। वहीं दूसरी तरफ इन दुकानदारों के संचालन में सत्ताधारियों के गुर्गे लगे हुए हैं, जिनकी सह पर सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और यहाँ वही कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि मैं सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब चाहे सत्ता की सह पर बीच सड़क पर कब्जा करो या किसी असहाय की जमीन और घर पर। वैसे इन दिनों झांसी शहर में यही चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी के दावे झांसी में हवा हवाई होते जा रहे हैं। फिर बात चाहे अतिक्रमण की हो या फिर लोगों की जमीन की या फिर मकान हड़पने की। देखिए रिपोर्ट झांसी से, रवि परिहार। जो आज समस्या एक आई है, हमेशा आती है, ये हमेशा आती है। नगर निगम ने बोला था इनको हटाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो।